जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर, पर आज आपको दिखाऊंगा मैं बाबा केदारनाथ धाम से। कल जो है 15 नवंबर को यहां से आप पट बंद होंगे और बाबा अपने धाम पुजाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं इतनी चारों ओर जो है बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहां पे तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का, तो कहीं ना कहीं बाबा की कृपा है। दोस्तों यहां सिर्फ वही आता है जिसे बाबा बुलाता है। तो यहां पे सबसे पहले मैं चलूंगा एक बुजुर्ग के पास। नमस्कार। धन्यवाद। मैं पंडित उमेश चंद्र पोस्ती, वरिष्ठ केदारनाथ। मैं सर्वप्रथम मैं मीडिया बंधु का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। इस हिमालय की इतनी कड़ा के ठंड में अपने दुखों ने देते हुए पब्लिक की समस्याओं को जो आम जनता पहुंचाते हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज जनता के लिए? कपाट भी खुल चुके हैं। आज विशेषता यह है, अनादिकाल से एक परंपरा है कि आज के दिन जो है भगवान के जो दर्शन होते हैं वो कल के बाद जो है यहाँ पे देव पूजा होती है। आज तक ही जो है आम जनमानस भगवान के दर्शन पूजन कर पाएगा, क्योंकि परंपरा बनी हुई है। भगवान की शाम को चार पैर की पूजा होती है और चार पैर में कई प्रकार का भगवान का अभिषेक किया जाता है और भगवान समाधि में लीन हो जाते हैं। उसके बाद ही समाधि के बाद जो है जब भगवान के कपाट खोलते हैं, उसके बाद जो है मानव के द्वारा जो है भगवान की पूजा करने के बाद जो है भगवान को जागृत अवस्था में ले आते हैं। इसके बाद में अब बाबा यहाँ पर पुनः कब स्थापित होंगे? अक्षय तृतीया जब आते हैं, अक्षय तृतीया पे भगवान के कपाट खुलते हैं और अक्षय तृतीया के बाद जो है आम जनमानस को भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन विशेषता यह है, इस बार जो यात्रा देखने में आई है, हजार लाखों की संख्या में यात्रा चली, लेकिन हर यात्री ने भगवान के दर्शन किए और हर यात्री जो है भगवान के दर्शन करके संतोष होकर के नीचे की ओर गया। ये कहने के बाबा कृपा है, ये सब प्रभु की कृपा है। धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी हमें दी। अब देखिए अब यहाँ पर जो है कुछ श्रद्धालु हमारे पास हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों भगवान के आशीर्वाद से और आपके सहयोग से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोग पुनः गांव की ओर इतना प्रेम देते हैं कि आज हमारी भी हिम्मत हुई और हम यहाँ पहुँचे। आप देखिए ऊपर मैं बर्फ की चोटी देखिए, आप किस तरह से जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है किस तरह से चमक रहा है आज हिमालय पर्वत। लेकिन आज थोड़ा सा एक बात आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर लोग हम लोग आते हैं अपने खाने पीने जो सामान लाते हैं प्लास्टिक छोड़ देते हैं और फिर यहाँ लोगों को जलाना पड़ता है, तो कृपया आप कोशिश करें कि यहाँ पर जो प्लास्टिक है आप उसको बैग में लेकर जाएं। जिस तरह आप दुकानदार को पैसे देते और बैलेंस लेते घर जाते हैं, उसी तरह से आप जो खाने के पैकेट से चिप्स है या पानी की बोतल से मोड़ मार या बैग में रखें और उसे आप ले जाएं या ऐसे स्थान पर रखें उसको जहाँ से कि लोग उसको उठाकर जो डिपार्टमेंट उसको उठाकर ले जाता है उसे सही जगह पर ले आ सके, डिस्पोज कर सके। आइए यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। युवा हमारे साथ हैं, आप लोग कहाँ से हैं? हम चमोली। पहली बार आए क्या दे रहते हो? नहीं भैया, 5 साल से आए। 5 साल से जी। क्या एक्सपीरियंस आपका बाबा के प्रति? बाबा के प्रति क्या होना है, कल तो डूली बस भी बंदी हो रही है और अगले साल भी आएंगे यहाँ से जुड़े रहेंगे, है ना भैया? चलिए अब हम आगे यहाँ पे जा रहे पहले चले। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर ये दृश्य आज यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है बाबा का कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पे किस तरह से लोग मस्ती में झूमते हुए बाबा का गुणगान करते हुए